हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश। चलिए आपको दिखा देते हैं ऊपर छत पे चल के। आइए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ल्ड मनी कवर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि यहाँ बहुत बारिश हुई और बारिश में क्या क्या नुकसान हुआ और बारिश में हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी मैंने अपने इस ब्लॉग में बताया है। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कल वॉच करना। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं हम बाहर गैलरी में और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है आज बारिश में। और आज इतनी बारिश हुई कि बच्चों की छुट्टी भी हो गई। चलिए तो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश। चलिए आपको दिखा देते हैं ऊपर छत पे चल के। आइए, तो चलिए ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं कैसा माहौल है बारिश में। आइए, तो फ्रेंड्स यहाँ छत पे बहुत पानी भर गया है और मैं लाई हूँ ये डंडा नाली खोलने के लिए। और अगर बारिश में आप लोगों की छत पे भी पानी भर गया हो तो प्लीज़ नाली खोल लेना, नहीं तो ऊपर बहुत सीलन हो जाएगी। ओके फ्रेंड, चलिए। और बारिश में एक और नुकसान हो गया, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। आइए, देखिए मेरा पूरा नींबू का पेड़ टूट गया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्यारा प्यारा नींबू का पेड़ कैसे टूटा पड़ा है। कल इतनी बारिश हुई कि पूरा नींबू का पेड़ मेरा टूट गया है। बस एक साइड का हिस्सा बचा है, दूसरा टूट गया है। अब उसमें जो नींबू लगे हैं उनको मैं जाके तोड़ लूँगी। देखिए पूरा टूटा पड़ा है और पूरी छत पे पानी पानी हो गया है। और अगर आप लोगों की छत पे भी पानी भर गया है तो प्लीज़ ज़रा ऊपर जाके अपनी छत का पानी निकाल दीजिएगा, नहीं तो नीचे घर में बहुत ज़्यादा सीलन हो जाती है, जिससे दीवारों पर सीलन हो जाएगी और जो आपका पेंट और जो भी पुताई होती है वो सब उतर जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिखा दी आपको ऊपर की बारिश, अब चलते हैं नीचे फिर से। और बारिश में आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर से आ गई हूँ आप लोगों का वीडियो दिखाकर ऊपर से। और मैं अब आके यहाँ जीने में बैठ गई हूँ और आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि सबके घर में जो ऐसा पोर्च बना होता है, देखिए ऐसा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गहरा होता है ये और इसमें बारिश में पानी भर जाता है। तो और इसमें लाइट भी लगी होती है ऐसे ही, तो इसमें जो बिजली के वायर होते हैं तो उसमें करंट आ सकता है। तो जब भी आपके पोर्च में पानी भर जाए ऊपर, तो प्लीज़ आप लोग उसको किसी डंडी से, बारिश ख़त्म हो जाए तब किसी डंडी से ज़रूर उसको निकाल दीजिएगा, जिससे वो सूखा बना रहे और आप लोग करंट से बचे रहें। और बारिश में एक बात का और आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना कि नंगे पाँव कोई भी बिजली का अप्लायंस मत छूना आप लोग, क्योंकि बारिश में अर्थिंग बहुत पकड़ती है और कहीं पर किसी भी जगह करंट हो सकता है। तो आप लोग नंगे पैर प्लीज़ ना प्रेस करना, ना मिक्सी चलाना और ना ही कोई स्विच छूना, और हमेशा चप्पल पहन के ही रखना। और वो जो आप सामने बाल्टी देख रहे हैं, उसमें पानी देख रहे हैं, वो मेरे इस पोर्च से ही निकला है।
तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, कर लेते होंगे, लेकिन कभी कभी ध्यान से उतर जाता है तो कोई बता देता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे ये भी करना है। और प्लीज़ आप लोग बारिश में एक काम और कीजिएगा कि धीरे धीरे पैर रख के ज़मीन पर चलिएगा, क्योंकि फिसलने का भी डर होता है। बारिश का पानी नीचे ज़मीन में पड़ता है तो एक चिकनाहट सी आ जाती है जो काई जैसी जम जाती है, तो उसमें प्लीज़ आप लोग बहुत धीरे धीरे चलिएगा। और बारिश में देखिए क्या क्या हो जाता है। और थोड़ी बारिश होती है तो सही रहता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा बारिश हो जाती है, रात भर बनी रहती है बारिश, तो उससे बहुत नुकसान भी हो जाता है। और मेरे यहाँ का एक तुलसी का पौधा भी टूट गया है और नींबू का पेड़ तो टूट ही गया है, आधा बचा है दोस्तों अभी, चिंता मत करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको वॉइस तो आ रही होगी बारिश की, कितनी बारिश हो रही है।